हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माइंड चलो। मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिशली मेक योरसेल्फ यूनिक। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आप सब बहुत ज्यादा वीडियोस को सपोर्ट दे रहे हो, इसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। एक सपोर्ट और चाहिए कि वीडियो देखने के बाद एक दो ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दिया करो, तो और ज्यादा मुझे अप्रिसिएशन मिलेगा। आगे और मेहनत मैं आपके लिए करने का प्रयास करूंगा। चलिए, आज का वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो या फिर कहीं पर जॉब कर रहे हैं या फिर प्लानिंग मॉडलिंग और स्ट्रक्चर एनालिसिस सीख रखे हैं, या फिर इनमें से कोई एक स्किल्स उनके पास बेहतरीन है, या फिर ऐसे लोग जिनको कोई बोल रहा है कि ये पूरा का पूरा मॉडल करके, पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन करके दो, तो क्या प्राइजेस लगाए जाए उनके लिए, स्टैंडर्ड प्राइस क्या बताया जाए उनको, उसके बारे में आज के वही वीडियो में डिस्कस करूंगा। कंप्लीट गाइडेंस आपको दे रहा हूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर रहा हूं आपके साथ। गाइस, अगर आप लोग प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग इन द सेंस ऑटो कैट के ऊपर प्लानिंग दे रहे हो, विथ वास्तु साइंस के अकॉर्डिंग अगर प्लानिंग करके आप दे रहे हो, और साथ ही साथ सेक्शन और एलिवेशन बना के दे रहे हो, क्या दे रहे हो? सेक्शन और एलिवेशन बना के दे रहे हो विद प्लानिंग, तो आपको सामने वाले जो भी आपका क्लाइंट है उससे 3 रुपीज स्क्वायर फीट चार्ज करना चाहिए। कितना? 3 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करना चाहिए प्लानिंग का विद सेक्शन एंड एलिवेशन, ठीक है? और साथ ही साथ अगर आपको 2 स्टोरी का है तो डबल चार्जेस हो जाते हैं, 3 स्टोरी का है तो ट्रिपल चार्जेस हो जाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड प्राइस है, 3 रुपए स्क्वायर फीट हमारी कंपनी का है यूनिक सिविल का। अब कुछ लोग इससे ज़्यादा भी लेते हैं, कुछ लोग इससे कम भी, बट मेरा मानना है कि 3 रुपए स्क्वायर फीट एक अच्छा चार्ज है जिसको हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है, और साथ ही साथ इतना कम भी नहीं है कि आपको कुछ ना मिले। दूसरा, अगर आपको कोई बोल रहा है कि मुझे एक अच्छा सा 3D मॉडल चाहिए, क्या चाहिए? 3D मॉडल चाहिए, मेरे घर का लुक जो है ना मेरे एरिया में सबसे बेहतरीन हो, मतलब ऐसा एलिवेशन कि मतलब किसी के पास ऐसा एलिवेशन ना हो, तो ऐसे एलिवेशंस के लिए, ऐसे मॉडल के लिए आपको 6 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करना चाहिए। कितना? 6 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करना चाहिए प्लानिंग के मॉडलिंग के लिए, अगर आप बेहतरीन मॉडलिंग करके दे रहे हो 3ds Max पे या फिर रेबिट पर या फिर स्केचअप पे। चलिए, अब कई लोग बोलते हैं कि यार मुझे ना स्ट्रक्चर की भी ड्राइंग दो। तो स्ट्रक्चर की ड्राइंग में आपको कितने रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करना चाहिए? 5 रुपए स्क्वायर फीट आपको चार्ज करना चाहिए, 5 रुपीज स्क्वायर फीट चार्ज करना चाहिए स्ट्रक्चर की ड्राइंग के लिए। अब स्ट्रक्चर की ड्राइंग में क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट करो, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में उसको मैं कवर करके दूंगा आपको। स्ट्रक्चर की ड्राइंग में क्या क्या देना होता है, अगर आप चाहते हो तो नीचे कमेंट करो कि यस सर वी वॉन्ट स्ट्रक्चर ड्राइंग्स डिटेल्स, तो मैं आपको नेक्स्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। चलिए, तो इस तरीके से हो गए स्टैंडर्ड चार्जेस किसके, प्लानिंग के हो गए और साथ ही साथ मॉडलिंग के हो गए और स्ट्रक्चर के हो गए। अब होता है एस्टीमेशन, तो एस्टीमेशन के लिए जनरली 2 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज करते हैं, कई लोग 1.5 रुपए स्क्वायर फीट भी चार्ज करते हैं, बट यूनिक सिविल जो मेरी कंपनी है हम लोग चार्ज करते हैं 2 रुपए स्क्वायर फीट। चलिए, आपके पास अगर कहीं से काम आता भी है तो आप हमारे प्राइजेस को बता सकते हैं और हमें काम दे भी सकते हैं, उसके लिए हम लोग 20% 30% आपको शेयर भी करते हैं एज पर वर्क, कितना बड़ा काम है उसके हिसाब से। चलिए, अब बात करते हैं भाई कि किसी को कंस्ट्रक्शन करके लेना है। कोई कहता है यार मेरे को ना इतना अच्छा तुमने मॉडल बनाया है, पूरा ही करके दे दो ना जिससे मुझे डायरेक्ट घर मिल जाए, ठीक है? उसके चार्जेस क्या होते हैं और क्या रखने चाहिए? उसके चार्जेस थोड़े से वेरी करते हैं ग्राइस, वो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में हो, उस एरिया में आपके जो मटेरियल है उनके कॉस्ट क्या है। फिर भी जो एक स्टैंडर्ड चार्ज है जो हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग इलाहाबाद में, लखनऊ में, इन सब जगहों का जो एक स्टैंडर्ड चार्ज है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे बेसिक लेवल का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा गांव में कैसे ईंट का घर बनाते हैं ना पूरा का पूरा, वो बेसिक कंस्ट्रक्शन होता है, अगर वो बनवा रहे हो आप तो वो 1200 रुपए स्क्वायर फीट, कितना? 1200 रुपए स्क्वायर फीट बिट मटेरियल आपको चार्ज करना चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल का घर बनाना चाह रहे हो, इंटरमीडिएट देखा होगा आप किसी का भी, मतलब जो सिटीज़ होते हैं, सिटीज़ में आपके पास ऐसे बनते हैं ना कि छोटे छोटे बिल्डिंग्स, अच्छे अच्छे थोड़े लुक अच्छे टाइप के, उस तरह से बनते हैं, तो उसके लिए आपको 1400 रुपए स्क्वायर फीट, जिसमें आप कॉलम भी दोगे, बीम भी दोगे, स्लैब भी दोगे, RCC की सब कुछ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके दोगे। इसमें क्या क्या आता है अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहते हो कि इंटरमीडिएट लेवल पे क्या क्या हमें करके देना होता है, तो कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। देखो, कमेंट करोगे तभी हमें आइडिया लगेगा आपको क्या जानना है गाइस, इसीलिए बार बार बोलता हूँ डू कमेंट। तो 1400 रुपए स्क्वायर फीट में आप एक अच्छा सा स्टैंडर्ड इंटरमीडिएट लेवल का घर बना के आप दे सकते हो, जिसमें अच्छा सा बाथरूम, अच्छा सा आपको स्लैब वगैरह वगैरह सब दे सकते हो। अब आता है नेक्स्ट लेवल, जिसको बोलते हैं प्रीमियम लेवल,
और अगर प्रीमियम लेवल का किसी को बंगलो टाइप का घर बना के देना है तो उसके लिए 1800 रुपए स्क्वायर फीट चार्ज आपको करना चाहिए, जिसमें आप बेहतरीन बंगलो बना के कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करके देंगे। कितना? 1800 रुपए। और जनरल जो सबसे बेसिक लेवल का है उसका 1200 रुपए, इंटरमीडिएट का लेवल का है तो उसका 1400 रुपए स्क्वायर फीट। ये मैं अपने एरिया के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जहां पर सैंड का जो प्राइस है वो 5000 से 6000 के बीच में है और साथ ही सीमेंट का जो प्राइस है 300 से 400 के बीच में है, जनरली 350 के आसपास। और वहां पर जो लेबर के चार्जेस है वो 300 से 350 के आसपास लेबर के चार्जेस हैं, मैक्सिमम 500। तो अब आप देख लो कि आपके यहाँ पर मटेरियल का कॉस्ट क्या है, उसके हिसाब से आपको थोड़ा बहुत चेंज करना पड़ सकता है। अगर आप चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक जगह का तो कमेंट करो, उसको भी कोशिश करेंगे, अगर कवर हो सकता है तो डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल रेट के अकॉर्डिंग तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई इतना इतना। तो ये थे आपके बेसिक्स चार्जेस किसी भी उसके लिए। और साथ ही साथ अगर कोई इसके अलावा एडिशनल कुछ करवाना चाहता है, जितना आपने मॉडल दिया है, जितना आपने प्लानिंग दिया है, इसके अलावा भी अगर कुछ चाहता है एडिशनल, तो उसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस करने चाहिए जितने भी दिन लगते हैं मैन पावर के अकॉर्डिंग। मैन पावर पर 20% आपका खुद का इंसेंटिव होता है, वो लेके आप उनको चार्ज बता सकते हो कि भाई अगर ये काम करा रहे हैं तो इतना आपका चार्ज जाएगा। होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग स्टैंडर्ड चार्जेस करा सकते हैं। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल, जिससे आपको एकदम आइडिया लग जाए। इतने रुपए पे अगर आप चार्ज लेते हो, मतलब काम लेते हो, कभी भी आपको लॉस नहीं जाएगा, इसकी गारंटी मैं दे देता हूँ अपने तरफ से, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जैसे कभी कोई प्लानिंग करोगे, मॉडलिंग करोगे, स्ट्रक्चर करोगे, तो प्लानिंग का 3 रुपए हो गया, मॉडलिंग का 6 रुपए हो गया, 9 रुपए, और 5 रुपए हो गया स्ट्रक्चर का, कितना? 14 रुपए स्क्वायर फीट। तो कुछ लोग थोड़ा बहुत कम भी कराते हैं, वो हमेशा होता है अपने इंडस्ट्री में। तो आपको ये मान के चलना है कि अगर वो 14 रुपए हो रहा है तो 12 रुपए के नीचे नहीं करना है, 12 रुपए के नीचे से नो। कभी कभी नो करना अच्छा होता है, क्योंकि वो जब दूसरे के पास जाएंगे तो वो ज्यादा चार्ज करेगा या फिर कम चार्ज करेगा तो अच्छा डिजाइन नहीं देगा, फिर उसको याद आएगा, ओहो याद सताए तेरी, तो वो याद आएगी। तो इससे बेटर है कि आप उसको अपना फिक्स रेट बता दिए, भाई यही है, हम इतना आपको डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। होप आपको समझ में आएगा। कुछ भी इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए, कुछ नॉलेज चाहिए, बताइए, नेक्स्ट वीडियोस में उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जय हिंद, जय भारत, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, हो सके तो उसको थोड़ा बहुत शेयर किया करो, एक लोग, दो लोग, तीन लोगों तक शेयर करने की कोशिश किया करो। चलिए, थैंक यू सो मच।